जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर खुर्शीद है। मैं ENT कंसल्टेंट हूँ डॉक्टर हॉस्पिटल मेडिकल सेंटर में। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं और मैं उन्हें कहता हूँ जी क्या आते हैं, कहते हैं जी हमें टॉन्सिल हैं, जो कि एक बड़ा ही वो है कि हर गले की तकलीफ को टॉन्सिल समझा जाता है पाकिस्तान में। एक्चुअली मैं आपको अगर अपना तजर्बा बताऊं तो मैं कुछ साल के 6-7 टॉन्सिलेक्टमी मैं करता हूं, क्योंकि बहुत से कम किसी को टॉन्सिलेक्टमी की ज़रूरत होती है। जो सबसे कॉमन मसला जो मैं यहां पे देख रहा हूं वो लाइफस्टाइल का है कि बच्चे बदपरहेजी कर रहे हैं, बड़े भी बदपरहेजी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका स्टमक का एसिड गले में लगता है और गले में फिर आवाज़ बैठ जाती, गले में दर्द, गले में खराश, नाक के पीछे रेशा बरगम गिरना, इवन नाक बंद हो जाना, आवाज़ का ख़राब हो जाना, इवन जिस्म में दर्द होना, तो ये सारे इसको हम लैरिंगो फेरेंजियल रिफ्लक्स कहते हैं। ये बहुत कॉमन है यहाँ पे और उसको हम बड़े सालों से मैं यहाँ पे ट्रीट करूँ। मैं 17-18 साल हो गए हैं पाकिस्तान आए हुए और मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और हाँ, जहाँ पे अगर आपको साल में 4 से ज़्यादा दफ़ा टॉन्सिलाइटिस हो रहा है बुखार के साथ और 1.5 से 2 साल हो गए हैं, फिर तो टॉन्सल्स निकालने ज़रूरी हैं। और या फिर अगर आपको खराटे आ रहे हैं और सांस रुक रहा है और अगर आपको नाक के पीछे एडिनोइड्स बड़े हैं और टॉन्सल्स, तो फिर आपको टॉन्सिलेक्टमी एडिनोइडेक्टमी करा लेनी चाहिए। इसके अलावा टॉन्सिलेक्टमी कराने की कोई वो अभी तक ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादातर ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और गले में दर्द का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ टॉन्सल्स है, गले में एक पीछे लाइनिंग होती है जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं, तो फेरिंजाइटिस भी होता है, ठीक है। और मुंह में कुछ लोगों के छाले भी पड़ते हैं, वो भी एसिड रिफ्लक्स ही उनकी एक वजह बनती है, ठीक है जी। तो कोई आपको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो ज़रूर आप कॉन्टेक्ट करें हमें। थैंक यू।